बिहार राज्य तालीमी मरकज शिक्षक संघ और टोला सेवक ने प्रदेश कमेटी के आह्वान पर कटिहार हरिशंकर नायक विद्यालय के प्रांगण में संयुक्त रूप से बैठक कर 9 से 12 मार्च तक पटना में आयोजित शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में भाग लेने का ऐलान किया है। कटिहार टोला सेवक एवं तालीमी मरकज संघ ने जुड़े शिक्षकों ने कहा कि उन लोगों को तमाम काम के बावजूद इतना कम मानदेय मिलता है, जिससे उन लोगों का इज्जत के साथ गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। ऐसे मुद्दे को लेकर प्रदेश कमेटी के आह्वान पर पटना में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों के समर्थन पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर कटिहार से भी बड़ी संख्या में शिक्षक भाग लेने का इस बैठक के माध्यम से निर्णय लिए हैं। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम आज बैठक हो रही है, ये राज्य स्तरीय के जो आह्वान पे ये बैठक आज हो रही है। आज हम लोग लगभग 2009 से कार्यरत हैं और आज हम लोगों का मानदेय इतनी कम है कि ना तो हम अपने बच्चे को सुख सुविधा दे पा रहे हैं, ना एक टाइम माने तीनों टाइम का खाना पूर्ण रूपेण खा पा रहे हैं। और सरकार हमसे सारी कार्य ले रही है, चाहे वो जनगणना हो या वीक्षण कार्य हो, इंटर का या मैट्रिक का वीक्षण कार्य हो, उसके बाद जो राज्य सरकार के द्वारा जो विकासशील योजनाएं चलती है उन पे हमारी संपूर्ण भागीदारी रहती है, चाहे वो हर एक जिले में हो। और हम लोग राज्य स्तर से लेकर जिला पे अपने प्रखंड लेवल पे अपनी कड़ी मेहनत करके राज्य के सभी विकास योजनाओं को हम लोग धरातल पे रखने का कार्य करते आ रहे हैं। अब मात्र इतनी महंगाई में आज यदि हमारे बच्चे यदि एक सपना यदि देख लें कि पापा आज हमें यदि बढ़िया खाना खाना है, तो हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मात्र इतनी महंगाई में 11,000 में पीएफ काट के मात्र 9,680 रुपये में प्राप्त होता है, जो कहीं भी आप अन्य विभागों की तुलना करें या किसी भी विभाग से तुलना करें हमारी योग्यता के आधार पर, तो हमें इतना कम मानदेय दिया जाता है जो कि बहुत ही असंतोषजनक है। अभी आज की ही मैं घटना बता देता हूँ। आज हमारे साथी जो एक प्रखंड में वो बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है, आज 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है, आज उनका वो बीमार स्थिति में पड़े हुए, आज हमें कलेक्शन करके चंदा करके उन्हें देकर आना पड़ा है सुबह में। ये इतनी हमें माने कि हमको कमजोर कर दिया गया है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है राज्य महासंघ के आह्वान पर हम लोग जो है 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जो है पटना गर्दनी बाग में जो है शांतिपूर्ण धरने का में हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं सभी जिले। और यदि सरकार इस पे भी यदि हमारी बात को अमल नहीं करती है, तो आने वाले समय में जो रणनीति बनाई जाएगी उस पे हम लोग जो है पूरे जोर शोर के साथ में हम लोग आगे सम्मिलित होने के लिए बेबस हो जाएंगे। मेरा नाम हुआ उज्जवल कुमार रजक, मैं जो शिक्षा सेवक संघ के जिला उपाध्यक्ष हूँ कटिहार।